15 साल से ये काछो का इलाका है, इधर पानी नहीं है 15 साल से। एक सैलाब आया, इन बेचारों ने उधार पे बिजली है वो छटे हर वर्का है। फिर दूसरा जो सैलाब आया 10 के दिन के 15 दिन के बाद, सारी इनकी मेहनत जाया हो गई, डबल कर्जा ही हो गए। इनकी गुर्बत अभी इतनी हो गई है कि ये एक दिन रोटी खाते हैं तो 5 दिन रोटी नहीं खाते। बड़ी गुर्बत है यार। तो हम थोड़ा सा राशन लाए हैं क्योंकि ऊपर ईद आ रही है, रमजान शरीफ का महीना है, और आप जब इस जमीन पे सरजमीन पे खुद आएंगे तो आप खुद हैरान परेशान हो जाएंगे। अल्लाह आपको खुश रखे। खिलते पियो सुमसो की था भाई आता है ऊपर राशन आ रही, गाड़ी पंचर लगी पड़ी है। 103 डिग्री बुखार है इस बेचारे को। ये होती है गुर्बत। फिर भी निकला के कुछ बच्चों के लिए लेके जाऊं। राशन की जगह गाड़ी आ उहा थी वही आ, एक दफो पंचर वरी बियो दफो पंचर। रात जो 1 बजे निकतल हूं हैदराबाद मां। हाने बेचारा बैठा इन इंतजार में, पो हाने छा कया, पो हाने ने दिल पे तो बेलाया, इनन के खिलाया पे तो यको बकलाक थिया, इनन के पे तो एंजॉय कराया खिलाया, जी मायूस न थे बेचारा। ये दे मुजा ढोलन, ये दे मुजा सोना, बड़ी सो पिंजरे में सरदार बैठो आए कदो भा डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि इधर कितनी खुशहाली थी और अभी कितनी बदहाली है और कितनी गुर्बत है। डॉक्टर साहब बताएं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि ये इलाका तो 15 साल से घेराबाद है, आप इस ज़मीन से देख सकते हैं कि ज़मीन का क्या असर है तो लोगों का क्या होगा। बहुत परेशान है लोग यहाँ पे, खाने के लिए परेशान है। सो जिन्होंने भी ये राशन डोनेट किया है, अल्लाह पाक उसको अजर अजीम अता करेगा। और असगर भाई को भी सलाम है जिन्होंने इतनी तकलीफ़ करके अपने आबाई गाँव वाले जो मिस्कीन ख़ानदान हैं उनको नहीं बोला है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप दोस्तों से कि आप ज़रूर तावन करें, चप्पल और कपड़े हमको आप लेके दें, नहीं तो आप हमारे साथ आएँ, हम आपको इधर लेके आएंगे, आप अपने हाथों से बांटें। जैसे हम खुशियों में ईदों में अपने बच्चों के लिए शॉपिंग करते हैं, आप भी प्लीज़ गरीबों को नहीं भूलें। अल्लाह आपको इसका अजर देगा, अल्लाह खुश करेगा। रमज़ान का महीना चल रहा है, ये बाबरकत वाला महीना है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सब दोस्तों से, जितना हो सके आप कहीं पर भी हों, गरीबों की, अपने मोहल्ले वालों की, रिश्तेदारों की ज़रूर मदद करें। इसमें अल्लाह पाक राज़ी होता है, अल्लाह आपको खुश रखेगा।